जो दोस्तियाँ आई थिंक आपकी शुरुआत में होती हैं वो बहुत लंबी चलती हैं, और वाणी के साथ मेरी वो दोस्ती रही है। और ये जो किताब उन्होंने लिखी है बच्चों, अब अकू के तरफ से जो उनकी बेटी है, और बच्चों के लिए, मुझे लगता है हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हम शायद अपना अंदर का बच्चा कहीं खो देते हैं। सो द चाइल्ड इन अस हू सो वाइल्ड विद इमेजिनेशन, हर एक इंसान अलग है, हर एक बच्चा अलग है, तो उन्हें उसी तरह से बढ़ते रहने का हक हमें देना चाहिए। और ख़ुद भी मुझे लगता है कि ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम लिमिटेड हो गए हैं क्योंकि हम बड़े हैं। सो जस्ट दैट पावर टू गो बियॉन्ड, आई थिंक दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट, और मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इस प्यारी सी किताब का एक चैप्टर पढ़ पाई। जी, मैंने मासूम भी सवाल पूछे हैं, और आई थिंक कुछ स्मार्ट सवाल भी पूछे हैं, कुछ बेवकूफ़ भी पूछे हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो हर चीज़ का जवाब देगी। और आई थिंक हम ताउम्र सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ही सवाल हैं, अभी भी कितने सवाल हैं, और ये किताब पढ़ के और सवाल होंगे, और ऐसा होगा कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन एंड, बट यस, माँ माँ होती है, एंड वो आपके हर उस क्यूरियोसिटी का जवाब देती है, और बहुत खूबसूरती से देती है। सो यस जी, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि हम हर चीज़ मेकर्स पे नहीं डाल सकते। ऑडियंस से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चों की फिल्में और देखें, मैंने खुद की हैं, और मैंने स्टैनली का डब्बा जब की थी तो मैंने एक हाउसफुल शो देखा है जहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट, मैंने गिप्पी की है करण जौहर की, तो ये सब बच्चों की फिल्में रही हैं, तो कुछ को बहुत स्नेह मिलता है, कुछ शायद उतनी बड़ी मार्केट नहीं पा पाती, तो लेकिन हमारे लिए जो इस बार ऑस्कर्स की जो नॉमिनेशन गई थी वो खुद एक बच्चों की फिल्म थी, और बड़ी प्यारी फिल्म थी, तो ऑफकोर्स मैं ये फिल्में हैं, और बहुत लोगों के पास कहानियां हैं कहने की, लेकिन ऑडियंस से गुजारिश करना चाहूँगी कि इसे अच्छी ऑडियंस भी दें। आई एम हियर स्पेसिफिकली फॉर वाणी, आई वाज इन दिल्ली आल्सो व्हेन शी लॉन्च्ड इट, एंड आई हैड टू बी हियर बिकॉज शी इज अ ग्रेट फ्रेंड, एंड इट्स अ वंडरफुल आइडिया ऑन व्हिच शी रिटन द बुक, आई हैव रेड पार्ट्स ऑफ इट, पार्ट्स आर वंडरफुल, but for one year I had to do this. I was there in Delhi also for the lunch, and I had to be here. And I wish her all the best, and I wish Akshara all the best. Yeah, it's, you see, the title of the book tells you a lot about what the book is about. No, it's a great title. Why can't elephants be red? So from a child's point of view, that's a great thing. Because like she said, you know, in her characters, somebody says my elephant is blue, somebody says mine is yellow. Then these are stories that kids make up. And I think it's a wonderful thing to promote that kind of thing. And I wish there are more children's books like what Vani's done. Of course you can make films out of it. Of course you can. Pardon? No, I haven't. I didn't get a chance. Because she's been traveling. And now she's in Bombay. But I'm leaving tomorrow. But I will talk to her. I'll speak to her on the phone about it. I am going to definitely. Thank you. Thank you very much. Any sir, the last one. Pardon? Any artist, female artist or male artist, आती हो, मगुरियर आती हो, उसकी मासूमियत बड़ी सुंदर है। जी। क्यों सर जी? और आज आप एक किताब के लॉन्च के मौके पे हैं, जहाँ चाचा कह रहा है कि माता आती लाल की नहीं है। क्या कह रहा है? किताब के बारे में बॉक्स किताब का इनोसेंस जो है उसको, मतलब जो पेजेस अभी पढ़ेंगे, मतलब बाकी चीज़ें पढ़ूंगा कि मुझे ही पढ़ना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनोसेंस जो है ना अभी कई कई जगह मिल नहीं पाता है लोगों को, और जो वाणी ने किया है और जो लिखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है बहुत टच करेगा
और ये दोनों के लिए ही है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी है और जो है बच्चों के लिए भी है। तो उसके हिसाब से बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस है। मुझे लगता है इनोसेंस होना, जिस तरीके से लोग चाहते हैं हमारा बच्चा प्यारा हो, तो माँ बाप को भी प्यारा होना चाहिए ना उसके लिए। आप सारी अच्छी बातें चाहते हैं, औलाद अच्छी करे और आप ना करें तो नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है इस किताब में, शायद इसे पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ूंगा तो पता लगेगा कि हाँ कुछ मासूमियत हमें भी होनी चाहिए मासूम बनाने वालों के लिए। ऐसा जी बिल्कुल भाई, क्या है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चों का जो एक सेगमेंट है बहुत एक्शन ड्रिवन हो गया है। आप समझ रहे हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें शुरू से लेकर एंड तक, तो एक बच्चा सुबह से ढेर सारा एक्शन देख रहा होता है। वो मतलब एक्शन भी होना चाहिए ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ बहुत कुछ जो है पढ़ने लिखने में और अलग अलग भाषाओं में होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो है मलयालम में कुछ काफ़ी चीज़ें मुझे मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ी थी, वो बड़ा अच्छा कुछ है बच्चों के लिए करते हैं लिखने के लिए। और यहाँ यही ये सब कहानियाँ भी नहीं रह गई, वो आईपैड ने आके ना सब कुछ बर्बाद कर रखा है। तो हाँ जो है ना, सच में एक 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 बच्चा आप देखिए घर जाइए, उसका बेसिक ब्लैकमेलिंग जो उसका मतलब है वो आईपैड या आईफोन जो जो फ़ोन होता है वो लिए रहते हैं वो लोग। तो वो हटा के ये पढ़ना लिखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कहानी और लिखे लोग और पढ़ाई जाए, मतलब कुछ करके पढ़ाई जाए तभी अच्छा होगा। बच्चों को बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहूँगा। मेरे तो दो भतीजे हैं और भतीजी हैं, उनके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता रहता हूँ। उनके हिसाब से मुझे आता है समझ में कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। एक मेरी भतीजी वो अंग्रेज़ी बोलती है भाई, क्योंकि वो बोलती जैसे वो कार्टून बोलता है। तो आज 80% टाइम मुझे समझ नहीं आता किससे बात कर रही हो। तो अभी जो है ना बैठ थोड़ा सा है ऐसा, हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मतलब ठीक क्या है, ये ऐसा वो भी अच्छा है, पर ये थोड़ा सा पढ़ने लिखने की चीज़ों में मुझे लगता है काफ़ी पुरानी चीज़ नहीं कहते हैं। बच्चों की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं तो वो अच्छा है भाई। अभी कुछ एक दो फिल्में और सीरीज़ क्या था उसकी डबिंग चल रही, जल्दी आएंगी। और पंचायत 3 शुरू होने वाला है, तो 3 फिल्म अभी आने वाली हैं और एक सीरीज़ आएगी, और एक में काम कर रहा हूँ वो भी अगले साल तक आ जाएगी। तो लेबर चल रहा है कुछ बना पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे टीचर्स, उन सब लोगों ने जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो रंगमंच में हो या सिनेमा में। मेरे बड़े भाई सुधीर मिश्रा जी मेरे साथ बैठे हैं, इन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस किताब के लिए मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ जुटे हैं। और दिल्ली में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मेरे गुरु, उन लोगों के साथ जिन्होंने मैंने जिनके साथ जीवन गुजारा था। किताब के माध्यम से एक विषय मैं प्रतिपादित करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम रियलिस्टिक राइटिंग से बचते हैं जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं। या तो हम सब कुछ बहुत कल्पनाशील रखते हैं, फैंटेसी, राजा रानी की कहानियाँ, राजकुमारी, परिकथाएँ, लेकिन इन सब का बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत कम संबंध होता है। तो मुझे लगता है कि ये किताब एक प्रयास है रियलिस्टिक राइटिंग का, क्योंकि इसकी प्रोटैगनिस्ट मेरी अपनी बेटी है 2.5 साल की, अक्षरा, जिसको हम प्यार से अक्कू बुलाते हैं, और उसका अपना जो वर्ल्ड व्यू है बड़े लोगों को देखने का, जिस तरह से वो लोगों को देखती है, जिस तरह वो जीवन देखती है, और पैंडेमिक में जिस तरह 2 साल बच्चे लॉकडाउन में रहे, परिवारों के साथ रहे, वो खेल कूद के मैदान जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एकदम से पहली हकीकत होते हैं, जब वो ख़त्म हो गए, जब वो स्कूल नहीं जा पाए, तो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे रही। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब यही था, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ये भी कि बच्चों की कल्पनाशील जो शक्ति होती है उसको हम पूरा दबाने का प्रयास करते हैं। और एक नाटक मैंने किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी के साथ, जिसका नाम लाल लाल हाथी था, जिसमें मैं उस भूमिका में थी। तो ये टाइटल कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। बड़ा परियों की कहानियों, और ये बड़ी मासूमियत है जब कोई बच्चा उसी मासूमियत के साथ कहता है कि हाँ
नो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट अभी एक सही कह रही है वाणी की, जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा अंग्रेजी में यू टॉक डाउन टू देम, अब बोलो बच्चे तुमको एक कहानी सुनाओ, सो आपको हमेशा लगता है कि वो तैयार नहीं है कुछ, अगर वो कहीं ये ऐसा कुछ देखने जिंदगी का यथार्थ से वाकिफ ना हो जाए, लेकिन बच्चे होते रहते हैं यथार्थ चारों तरफ है, तो अगर बच्चों के साथ थोड़ा एज नॉट कॉन्डिसेंडिंगली, आफ्टरऑल बच्चे हैं, लेकिन आप अगर उनसे बातें करें वन टू वन तो वो बहुत अच्छा है। और आप एक निदा साहब की लाइन है ना कविता, पहली भूल रहा हूँ मैं, कि बच्चों उनको बच्चे रहने दो, चार किताबें पढ़ के वो हम जैसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक है, तो हम कुछ हमेशा उनको ढालना चाहते हैं अपने जैसे बनाना, अपना जैसा बनाना चाहते हैं, तो वो उनको जो डिस्कवरी एक एक्साइटमेंट एक जिज्ञासा एक दुनिया को देखने का नज़रिया, मतलब मेरे ख्याल से वो आपको सबक सिखाते हैं। और अगर हम सब थोड़ा बहुत वो रहें बच्चे, ज़िंदगी को सिर्फ क्यों हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते, अगर हम सोचें ऐसा तो वो हमें भी थोड़ा सा ज़िंदगी में मदद करेगा, नहीं तो हम भी ढर्रे में फंसते हैं, वो जिज्ञासा हम खोते जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ साथ आप भी सीखेंगे मेरे ख्याल से। हर चीज़ की मेरे ख्याल से फिर मनाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, मेरे ख्याल से जो इमेजिनेशन है, ये जो शब्दों की दुनिया है, ये जो किताबों की दुनिया है, अगर उससे हर बच्चे का एक अपना इमेजिनेशन, उस कहानी से खुद इमेजिन करता है, वो पात्रों को खुद अपना, फिल्म थोड़ा कॉन्क्रिटाइज कर देती है हर चीज़ को, तो थोड़ा बहुत कुछ किताबों को किताबें ही रहने दें, कुछ हर चीज़ को आप कैनिबलाइज इंडस्ट्री क्यों करना चाहते हैं। एक बार क्या होता है फिल्म बन जाती है तो किताब भूल जाते हैं लोग, है ना, तो वो मेरे ख्याल ज़रूरी नहीं है, अब बनाए कोई एक साइट हो जनरली उससे और बनाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आप उसको किताब को थोड़ी देर किताब रहने देना चाहिए, उससे थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा आप खुद इमेजिन करते हो, एक एक्टिव रीडिंग जो है ना वो एक एक्टिव है जी, व्यूइंग जो है वो थोड़ा पैसिव है, तो थोड़ा वो मेरे ख्याल से शुरू में तो वो बंदिश तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन पहले 6-7 साल अगर बच्चे से पढ़े तो मेरे ख्याल से बेटर है, मेरे ख्याल से, लेकिन आप रोक नहीं सकते, आप तो मैं नहीं कह रहा हूँ बंदिश है। देखिए पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना होगा कि हम एज एडल्ट्स बच्चों की दुनिया को किस तरह देखते हैं, बिल्कुल यही बात है, या तो हम उन पर ऑर्डर चलाते हैं या हम वी टॉक डाउन टू देम, हम भूल जाते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आई कॉल देम लिटिल पीपल, और उनका जो ऑब्जर्व करने का दुनिया को जो कमाल की शक्ति एक बच्चे के पास होती है, हम उस दुनिया में कभी भी अपने आप को शामिल नहीं पाते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि हम सोचें। बड़े होने की प्रक्रिया, द अटेम्प्ट टू अटेन एडल्टहुड एज आई कॉल इट, वी लूज द सेंस ऑफ चाइल्डहुड, हम अपना बचपन भूल जाते हैं, और हमें इतनी जल्दी होती है बड़े होने की कि हम ये जानने से गुरेज करने लगते हैं कि हमारा बचपन कैसा था, हमारे सुख दुख के क्षण, हमारा खेल का सेंस, हम जब दुनिया एक्चुअली एक इंक्वायरी की नज़र से देखते थे। और आज मुझे लगता है, बिल्कुल आपने जो बात कही, डिजिटल एज है और बहुत तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है हम सब की, हम सब कथावाचक हैं आफ्टर ऑल, स्टोरी टेलर्स हैं, चाहे हम सिनेमा बनाएं, चाहे रंगकर्म करें, चाहे किताबें लिखें, चाहे हम सिर्फ रेडियो पर कथावाचन करें, हम हैं कथावाचक, हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ा कथावाचकों का पिंड है। अगर हर नूक एंड कॉर्नर में, छोटे छोटे शहरों में अगर कहानियाँ हैं, तो हम वो कहानियाँ क्यों नहीं कह रहे, वो हमारे बच्चों की कहानियाँ हैं, हमारे परिवारों की कहानियाँ हैं, हमारे पड़ोस की कहानी है, वो गिल्ली डंडे की कहानियाँ हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ ओढ़ रहे हैं, बाहर से पाश्चात्य वेस्टर्न उसको लेकर आते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितना अच्छा एनिमेशन था, कितनी अच्छी कहानी थी। अरे महाराज, ये कहानियाँ हमारे पास हैं, ये हमारी दुनिया है, हमारा देश है, बट वी आर सो बिजी लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम द आउटसाइड कि हमने अंतर्मुखी होना छोड़ दिया है।
तो पहली बात, वी शुड बी रिटेलिंग आवर एपिक्स, हमारी जो जातका टेल्स हैं, जो हमारे पंचतंत्र हैं, वी शुड सेलिब्रेट जंगल बुक। लेकिन पंचतंत्र की कहानियाँ देखिए, समाज, पशु पक्षी, एनवायरमेंट, सब समाहित होता है उस कहानी में। सो मेरा ये कहना है कि फिल्में अपना काम करती हैं, रंगकर्म अपना काम करता है, साहित्य अपना काम करता है। अगर ये एक साथ जुड़ जाए, एकजुट हो जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वतंत्र रूप से भी बच्चों को उनके स्वाभाविक इमीडिएट एनवायरमेंट से हटाकर कहानियाँ कहने की जो हमने आदत डाली है, दैट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो मैं फिर वहीं वापस आती हूँ, बच्चों के लिए रियलिस्टिक राइटिंग के बारे में मैं वाकई ये विषय प्रतिपादित करना चाहती हूँ सबके सामने। और ये भी याद रखिए, बच्चों की जो आज की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया भी है, उनका पीयर प्रेशर है, जजमेंट है, स्कूल है, उनको ग्रेड्स लाने हैं, दिस बिकम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप लिखते हैं और वो उससे रिलेट करते हैं। अभी तक जितने बच्चों ने किताबें पढ़ी, हमने दिल्ली में लॉन्च किया, उसके बाद मैं बच्चों से अपना मेल आईडी शेयर करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताइए। सब ने ये कहा, दिस इज़ आवर लाइफ। है तो ये 2.5 साल के बच्चे की लाइफ, अगर ये 6, 7, 8, 9, 10 या 12 साल का बच्चा उससे रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द वे वी लुक एट चिल्ड्रन एंड द वे चिल्ड्रन लुक एट अस। यार मैं खुद एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हो गया जब वाणी ने मुझे बताया कि उसकी किताब किस बारे में, कि हम अपने से छोटों को कितना कम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो हम उसको जो चाहते हैं उसके कितना आसपास है। हमारी बच्चों से हमेशा एक तवक्को होती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, और फिर हम उसको घसीट के वहाँ से वहाँ लाते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि वो कौन है, और उसको हम आज़ादी से बड़ा नहीं होने देते। इसलिए इतना ज़रूरी है कि हमसे जो छोटे हैं उनकी उनके सवाल सुने जाए, उनका उत्तर दिया जाए, बजाय इसके कि हम उनको ये बताएं कि तुम क्या बनो, क्योंकि तय वो करेंगे, उन्हें करना चाहिए कि वो क्या बनेंगे। और वो नई दुनिया है और जिसमें हम हिंड्रेंस हैं। एक्चुअली जब हम उनको बताते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा नहीं किया, वो तो दिखाई दे रहा है दुनिया में, तो इससे अच्छा ये है कि वो तय करेंगे क्या करना है, और हम जितनी बेहतर दुनिया उनके लिए और बना के रख सकते हैं वो रखें। लेकिन इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क कि हाँ, हाथी लाल क्यों नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा, इन द वर्ल्ड वी वांट इट, इतना ज़रूरी है। मैं फिर आई एम रिपीटिंग मायसेल्फ अदर पीपल, इतना ज़रूरी है इस तरह की किताबों में बदल देना, कन्वर्ट करना, उसके फिल्म बनाए। जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट, और आप जिस तरह का सिनेमा मुल्क से लेकर अब तक जिस तरह का सिनेमा आप कर रहे हैं, वो वाकई में पैगाम और मैसेज होता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बच्चे जो अपनी मासूमियत ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, और हम उन्हें जो कोर्स कर रहे हैं उसको मानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो थिंक इस किताब पे या इस पूरे मुद्दे पे मुझे भी इंटरेस्टेड हुई। यार मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है पूरी किताब, लेकिन फिल्मों को हम बहुत ज़्यादा हैसियत देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किताब पे फिल्म बने तो उससे किताब की इज़्ज़त बढ़ती है। मतलब आप जो गॉडफादर जितने लोगों ने देखी है और जिन्होंने पढ़ी भी है, आप पूछें उनसे तो उन्हें किताब बेहतर लगती है, जबकि वो फिल्म अपने आप में एक अपनी यू नो खुद अपने आप में बाइबल है। पर मुझे नहीं लगता कि उस किसी किताब को फिल्म में कन्वर्ट कर देने से वो वैलिडेट हो जाती है या उसकी वैल्यू इम्प्रूव होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किताब लिखी गई और किताब में पढ़ी जाए और बच्चों से शुरुआत हो, बच्चों में आदत पड़ेगी किताब पढ़ें, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। फिल्म तो मोहताज है किताब की, फिल्म साहित्य की मोहताज है।